गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा मैथ को देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ अलग मैथ, बुक से कुछ हटकर मैथ आज हम बताने वाले हैं आप लोग को। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, अपना अपना कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए। कॉपी पेंसिल आप लोग निकाल लीजिए। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आप लोग का, क्वेश्चन है चेंज इन टू रुपीज, यानी कि अगर आप लोग को रुपीज में चेंज करना है। हमेशा हम लोग कैसे में चेंज करते थे बच्चों, पैसा में, लेकिन अगर कैसे में चेंज करना है, रुपीज में। मान लिया दिया हुआ है इतना पैसा, ठीक है, 2500 पैसे, इसको रुपीज में चेंज करने के लिए बोला गया है। देखेंगे, चूंकि 100 पैसे बराबर कितना होता है बच्चों, 1 रुपीज होता है ना। 100 पैसे में कितना रुपया होता है, तो 1 रुपीज होता है। 1 रुपीज होता है, इसलिए 1 पैसा में तो 1/100 रुपीज। ठीक है, इसलिए, ठीक है, कितना रुपीस में, इतना पैसा में, इतना पैसा में कितना हो, तो 1/100 × 200 2500। अब काटिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, बचा कितना हमारा, 25 बचा। ये तो ये 25 क्या आ गया हमारा रुपीस, यानी कि 2500 पैसा को अगर हम रुपीस में चेंज किए, रुपया में चेंज किए, तो 25 रुपया आया, है ना। तो इसी तरह से आप लोग को चेंज करना है, पैसा से अगर कैसे में कन्वर्ट करना है बच्चों, रुपया में, पैसा से रुपया में कन्वर्ट करना है। समझ में आया। चलिए एक दो एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए अगला एग्जांपल लेते हैं, 500 क्या पैसा है, 500 पैसा है, इसको कैसे बनाएंगे, आज कभी भी बनाएंगे बच्चों, तो एक्सप्लेन करके, ताकि कोई भी टीचर जांच करेंगे तो वो नंबर ना काट सके। ठीक है, कुछ इस तरह से लिखेंगे, चूंकि 1 रुपीज चूंकि 100 पैसा हम लोग पढ़े हैं क्या, 100 पैसा में कितना रुपीज होता है, 1 रुपीज होता है, पढ़े ना, 1 रुपीज बराबर 100 पैसा, 1 रुपीज बराबर 100 पैसा, तो इसको उल्टा लिखे कि 100 पैसा बराबर 1 रुपीज, क्योंकि यहाँ कैसे में दिया हुआ था, पैसा में दिया हुआ था, इसलिए 1 पैसा में तो 1/100, ये वाला 100 रुपीज। इसलिए क्वेश्चन से अब आते हैं, क्वेश्चन में कितना है, 500, तो 500 पैसा बराबर बच्चों, 500 पैसा बराबर 1/100 × 500। अब 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काट दिए, बच गया हमारा कितना बच्चों, 5, तो 5 रुपीज क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोग को क्या करना है, बनाना है इसको। चलिए एक दो एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। ये समझ में आया बच्चों। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए है अगर दिया हुआ 400 है, 400 पैसे हैं, ठीक है, इसको रुपीस में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे हम लोग जानते हैं, चूंकि 100 पैसे बराबर क्या होता है, 1 रुपीज होता है ना, 1 रुपीज होता है, इसलिए 1 पैसा में तो 1/100 रुपीज। वो ये 100 कहाँ से आया, ये तो 1 ऊपर से आ गया, 100 ये आ गया, ठीक है, 1 रुपीज बराबर 1/100 रुपीज, 1 पैसा में 1/100 रुपीज। इसलिए क्वेश्चन में कितना दिया हुआ बच्चों, 400, तो 400 पैसा बराबर, तो 1/100 × 400 डिवाइड कर देंगे, कट गया, बचे कितना हमारा, 4 रुपीज। ठीक है, कोई बच्चे डायरेक्ट नहीं करेंगे, ये नहीं
कि 400 लिखा हुआ है और 100 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा 4 रुपीज़ आ गया। तो डायरेक्ट कोई भी आंसर नहीं लिखेंगे, ठीक है? डायरेक्ट नहीं आंसर आप लोग को बनाना है, एक्सप्लेन करके बनाना है, समझाते हुए कि कैसे कैसे हम लोग बनाए हैं, ठीक है? पूरा एक्सप्लेन कीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा। डायरेक्ट ऐसे बनाए आप लोग तो हम काट देंगे, सीधे आप लोग का गलत हम मानेंगे, ठीक है? एक्सप्लेन करके बनाना है, क्योंकि आप लोग धीरे धीरे आप सीनियर क्लास में जा रहे हैं ना, 3 क्लास में कुछ कुछ आए तो आप लोग को कुछ ढंग से बनाने आना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग फिर देखते हैं। मान लीजिए है इतना पैसा है दिया हुआ, ठीक है? इतना क्या है? पैसा है, तो इसको बनाना है। चलिए सबसे पहले आप लोग वीडियो को अब क्या कीजिए, वीडियो थोड़ा रोकिए और रोक कर अपने से बनाइए पहले, इतना को बनाइए आप लोग। चलिए देखिए, चूंकि 100 पैसे बराबर क्या होता है? 1 रुपीज़ होता है ना? 100 पैसा में क्या होता है? 1 रुपीज़ होता है, इसलिए 1 पैसा में तो 1/100 रुपीज़ हो जाएगा, इसलिए कितना है बच्चों? 1000। पैसा बराबर तो 1/100 × 1000। अब इसको काटेंगे, 1010 कट गया, 2 जीरो नीचे था, 2 जीरो ऊपर था, कट गया। बचा क्या? देखिए बच गया क्या आप लोग का? 10 बच गया, ठीक है? तो यहाँ पर 10 क्या हो जाएगा आप लोग का? आंसर होगा 10 रुपीज़, ठीक है? यही आप लोग का आंसर हो गया बच्चों। चलिए तो अब हम आप लोग को होमवर्क देते हैं, होमवर्क में बनाइएगा इसको, ठीक है? होमवर्क बना के लाइएगा इसको, मिटा रहे हैं। होमवर्क में लिखिएगा बच्चों, होमवर्क में चेंज इन टू रुपीज़। पहला क्वेश्चन ए में 500 पैसे, बी में लिखेगा 12,000 पैसे, 1200। चलिए अगला लिखेगा 2500, 2900 पैसे, फिर डी में लिखेगा 600 पैसे और ई में लिखेगा 15,000 पैसे, ठीक है? तो इसे आप लोग को बना लेना है अपने कॉपी में। तो आज का आप लोग का होमवर्क यही रहा, ठीक है बच्चों? इसे ढंग से आप लोग कॉपी में साफ साफ अक्षरों में बनाइएगा, ओके बच्चों? ओके।